वाह, ये जंगल तो कितना सुंदर है। लगता है जंगल सफारी में बड़ा मजा आएगा। लेकिन किको, जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं, ये जंगल और घना होता जा रहा है। घने से भी ज्यादा घना, इसी बात पे खा लेता हूँ चना। क्योंकि एनिमल्स को देखने के लिए हम जंगल के जिस घने एरिया में जा रहे हैं, उसे टू वर्ड्स में कहते हैं कोर एरिया। करेक्ट बोला जी, लेकिन अभी तक एक चूहा तक नहीं दिखा जी। वो देखो, सामने से आ रहे हाथी हैं, जो दिखने में टोनी बॉस के साथी हैं। टोनी का मुक्का, हुड़ हुड़ का। जोकर रुलाने आ गया है। गेम ऑन, एक्शन का थ्रिल, चेस का फन, कलेक्ट करो पावर्स और दिखाओ अपना दम। तो आप भी एक्सपीरियंस करें सेम और डाउनलोड करें गेम गूगल प्ले पर उपलब्ध। अब शुरू करें चेस। वो देखो, पीछे से सांबर डियर का ग्रुप भी आ रहा है। अरे वाह, सामने एलिफेंट्स और पीछे सांबर डियर। टू वर्ड्स में इसे कहते हैं डबल मजा। मम्मी, ये हाथी तो पास आ रहे हैं, जल्दी से गाड़ी भगाओ। डोंट वरी जी, कुछ नहीं होगा, ये कब भी किसी पे हमला नहीं करते। नहीं नहीं टेम्पो अन्ना, जिस तरह से एनिमल्स चिल्लाते हुए हमारी ओर आ रहे हैं, मुझे लगता है जरूर कोई गड़बड़ है। आप जल्दी से यहाँ से गाड़ी निकालिए। अयो बहुत सही है जी, मगर गाड़ी निकलू कहाँ से, दोनों तरफ से एनिमल्स से घिरा हुआ है। लगता है आज डबल मजे के चक्कर में डबल सजा मिलेगी। मम्मी, उंगली में फंसी अंगूठी को पानी के बुलबुलों ने आग में भून के भुट्टा बना डाला। वाह, क्या बात कही है, नोट पैड में नोट कर लेता हूँ। अयो, नोट फोटो बाद में करने जी, पहले मतलब समझाओ जी। सर पहले में कह रहे हैं कि वो गाड़ी से कूदकर सांबर डियर के आगे भागकर उनका ध्यान भटकाएंगे। आप लोग मौका देखकर गाड़ी को रिवर्स डायरेक्शन में निकाल लेना। शेर बिना देर किए बिल्ली को भी दिल्ली ले गया। मतलब झटपट सर पहले में कह रहे हैं कि वो मुझे भी साथ ले जाएंगे। गाड़ी और तेज चलाइए टेम्पो अन्ना। आयो, रिवर्स डायरेक्शन में गाड़ी इससे ज्यादा स्पीड में नहीं चल सकती जी। लगता है इन एलिफेंट्स का ध्यान भटकाने के लिए मुझे ही कुछ करना होगा। वाह झटपट सर, इन सांबर डियर ने उछाल उछाल के हमारी क्या चटनी बनाई है। नोट पैड में नोट कर लेता हूँ। मैंने कहीं पढ़ा था कि एलिफेंट्स जब सीधे भागते हैं तो उनकी स्पीड बहुत फास्ट होती है, लेकिन जब वो ज़िगज़ैग भागते हैं तो उनकी स्पीड स्लो हो जाती है। आयो, समझ में नहीं आ रहा कि उन एनिमल्स ने हम पे अटैक क्यों किया जी। ज्यादातर एलिफेंट्स तो ग्रुप में ही घूमते हैं, लेकिन आज ये अलग घूम रहे हैं, जैसे जैसे कुछ ढूंढ रहे हों।
वन वर्ड में पूछूं तो व्हाट? क्या आप लोगों ने ध्यान दिया कि यहाँ के सांबर डियर्स और एलिफेंट्स के ग्रुप में एक भी बच्चा नहीं था? ओरी मोरी मदर, यानी एनिमल्स के बच्चे मिसिंग है यहाँ पर। चलो इस बारे में जंगल के इंचार्ज से बात करते हैं। क्या आज फिर हाथी के बच्चे गायब हो गए? मगर कैसे? पता नहीं सर, हमने उन्हें ढूंढने की कोशिश की पर जंगल में कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तुम यहाँ के फॉरेस्ट रेंजर हो, इस जंगल के सारे एनिमल्स की सेफ्टी की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम्हें पता है ना कि पिछले कुछ दिनों में एनिमल्स के कितने बच्चे यहाँ से गायब हो चुके हैं। गुड मॉर्निंग अंकल, मेरा नाम किको है और मैं यहाँ अपने दोस्तों के साथ जंगल सफारी के लिए आया हूँ। किको फ्रॉम सन सिटी, राइट? थैंक गॉड किको, तुम सही टाइम पे आ गए। मैंने तुम्हारे और सुपर स्पीडो के बारे में बहुत सुना है। इस जंगल को ना तुम दोनों के हेल्प की बहुत जरूरत है। वो तो ठीक है अंकल, मगर आप है कौन? मैं फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ और ये यहाँ के फॉरेस्ट रेंजर है। ओके अंकल, मुझे आपकी बातों से लगता है कि इस जंगल के एनिमल्स इंसानों पे हमला करने लगे हैं। वही तो प्रॉब्लम है किको, दरअसल पिछले कुछ टाइम से एनिमल्स के बच्चे जंगल में अचानक से कहीं गायब हो जाते हैं और फिर दोबारा नजर ही नहीं आते, और इसी वजह से उन मिसिंग बच्चों के पेरेंट्स पूरे जंगल में तबाही मचा रहे हैं। प्लीज किको, एनिमल्स के बच्चों को खोने से बचाओ, हमारी मदद करो प्लीज। मगर सर, जब मैं उन बच्चों को नहीं बचा पाया तो भला ये बच्चा क्या कर लेगा? अंकल, कभी कभी कुछ काम बच्चे बड़ों से ज्यादा अच्छे कर लेते हैं। करेक्ट, जैसे एक साथ में दो दो कैंडीज उछाल के खाना। ये देखो अंकल, आप हमें इस जंगल की किसी ऐसी जगह पे भिजवा दीजिए जहाँ से मैं इस पूरे जंगल पर नजर रख सकूं, क्योंकि अब जानवरों के बच्चों को बचाने की जिम्मेदारी हम बच्चों पर है। यहाँ से आप लोग इन बाइनोक्यूलर्स के जरिए पूरे जंगल पे नजर रख सकते हैं। ध्यान रहे कोई आवाज ना हो, वरना एनिमल्स भाग जाएंगे। मैं बस थोड़ी देर में खाना खा के आता हूँ। बिल्कुल अंकल, और अगर हो सके तो थोड़ा खाना मेरे लिए लेते आइएगा। लगता है मैडी रेंजर अंकल को अपना खाना शेयर करना पसंद नहीं। कोई बात नहीं, इसी बात पे मैं कुछ चिप्स खा लेता हूँ। डोडो, आवाज मत करो डोडो। हिप्पोपोटामस का बेबी इतना खुशी खुशी नाचते हुए कहाँ जा रहा है? अब मैं कुछ नहीं खा रहा। हाँ? तो फिर ये आवाज कहाँ से आ रही है? हाँ? किको, वो आवाज छोड़ो और उस बेबी हिप्पोपोटामस पे ध्यान दो। तुम्हें पता है, एक बार मैंने ऐसे ही एक एनिमल चोर को इतना मारा था कि डर के मारे उसने एनिमल्स के साथ साथ मुर्गियां भी पालनी शुरू कर दी थी। सच्ची में अंकल? और नहीं तो क्या, अगर मैं झूठ बोलूं तो मेरे सिर पे मुर्गियों के अंडे गिरे। अयो, काश फेकम फाकी की हैबिट को चुराने वाला कोई चोर होता तो मैं खुद उसको मियर के पास बेचता जी। हिप्पोपोटामस तो तभी ऐसा कर सकते हैं जब वो पानी के आसपास होते हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। सुनो R7, उस सामने दिख रहे बेबी हिप्पोपोटामस की लोकेशन को मैप पर मार्क कर दो। Oh!
वाला है, बचाओ मम्मी। वो बेबी हिप्पोपोटामस तो गायब हो गया। अयो अयो किको, कुछ करो जी, नहीं तो इतना ऊंचे से गिर के हम लोगों का हड्डी पसली गायब हो जाएगा जी। लगता है सुपर स्पीडो को बुलाना ही पड़ेगा। रफ्तार पे रफ्तार R7 से निकले सुपर स्पीडो कार। ये मचान टूट के गिरने वाली है, जल्दी फॉर्मूला नंबर 83 लगाओ और हम सबको बचाओ। ओके ब्रो, एक्टिवेटिंग फॉर्मूला 83। थैंक यू सुपर स्पीडो, अब जल्दी से उस मैप पे मार्क जगह पर चलते हैं। हाथी फिर से आ गए, मम्मी बचाओ प्लीज। किको, तुम कहो तो मैं कुछ करूं? नहीं सुपर स्पीडो, इनके बेबी हो गए हैं, इसीलिए ये परेशान है। रुको, मैं इन्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं आप सबका पेन समझ सकता हूँ। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपके बेबीज को ढूंढकर जरूर लाऊंगा। प्लीज अभी हमें जाने दीजिए। कमाल है, वो एलिफेंट्स किको की बात समझ गए। किको को एलिफेंट की लैंग्वेज आती है क्या? टोनी, अगर आप सच्चे मन से किसी की हेल्प करना चाहते हैं, तो फिर इंसान हो या जानवर, दोनों किसी भी लैंग्वेज को समझ जाते हैं। ये सब टोनी बॉस नहीं समझ सकते, क्योंकि इन्होंने कभी किसी की हेल्प ही नहीं की। मार्किंग वाली जगह तो यही है, बेबी हिप्पोपोटामस यहीं से गायब हुआ था, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है। किको, कहीं बेबी हिप्पो को कोई हेलीकॉप्टर से लेके ना भाग गया हो। नहीं हो सकता सुपर स्पीडो, क्योंकि हेलीकॉप्टर की आवाज नहीं आई थी। हो ना हो, वो बेबी हिप्पोपोटामस इसी जगह से गायब हुआ है, लेकिन आखिर वो गया कहाँ होगा? अयो, वो बेबी हिप्पोपोटामस तो नहीं, लेकिन उसका मम्मी दिखाई दे रही जी। देखो बेचारा अपने बच्चे को ढूंढते हुए कितने परेशान है। यस, दैट्स इट। क्या आप लोगों को पता है कि इंसान और जानवर अलग अलग ढंग से देखते हैं? जैसे कुछ एनिमल्स को सारी चीजें सिर्फ ब्लैक और व्हाइट में नजर आती हैं, तो कुछ एनिमल्स बस कुछ ही कलर्स देख पाते हैं। ये देखिए, देखो इस वीडियो में डॉग की आंखों से ऐसे दिखता है। बात तो सही है किको, मगर उसका एनिमल्स के गायब होने से क्या कनेक्शन? देखो अभी तो हमें ये जगह एक खाली मैदान लग रही है, लेकिन हो सकता है कि बेबी हिप्पोपोटामस कुछ और दिखा रहा हो यहाँ पे। रुको, मैं अभी R7 के जरिए इस जगह को स्कैन करके वही विजुअल्स देखता हूँ जो विजुअल्स बेबी हिप्पोपोटामस ने अपनी आंखों से देखे होंगे। हिप्पोपोटामस को लेक दिखी यहाँ पर। इस इल्यूजन को क्रिएट करने के लिए डिवाइसेस यही कहीं आसपास लगे होंगे। वो देखो, वो रहे डिवाइसेस। सुपर स्पीडो, फॉर्मूला नंबर 68। यस किको, फॉर्मूला नंबर 68 लगा के उन डिवाइसेस को पप के आम की तरह गिराता हूँ। ये रही वो डिवाइसेस जिनके जरिए चोर इल्यूजन्स क्रिएट करता था, और जब वो एनिमल के बच्चे अपनी मनपसंद की चीज यहाँ देखते थे, तो आके चोर उन्हें जाल में फंसा लेता था। मगर किको, वो चोर उन एनिमल बेबीज को यहाँ से लेकर जाता कहाँ? क्या हुआ किको, फिर से किसी जानवर का बच्चा चोरी हो गया क्या? यस मारी रेंजर अंकल, हम उसे ही ढूंढ रहे हैं। ओह नो, ये हो क्या रहा है इस जंगल में? एक के बाद एक जानवर गायब हो रहे हैं। किको, मैं तो कहता हूँ कि तुम भी अपने दोस्तों के साथ इस जंगल से बाहर निकल जाओ। नहीं मैडी रेंजर,
हम एनिमल्स के बेबीज को ढूंढे बगैर कहीं नहीं जाएंगे। मेरी बात मान जाओ किको, वरना कहीं उस हिप्पोपोटामस के बच्चे की तरह तुम सब भी गायब ना हो जाओ। एक मिनट अंकल, आप तो खाना खाने गए थे और मैंने तो अभी तक आपको ये बात बताई ही नहीं कि एनिमल का बेबी चोरी हुआ है। तो आपको कैसे पता चला कि बेबी हिप्पोपोटामस की चोरी हुई है, बताइए। अब करूंगा मैं जंगल में अमंगल। किको, आखिर तुमने अपनी स्मार्टनेस दिखा के मेरा भांडा फोड़ कर ही दिया। हाँ? हाँ, मैं ही इस जंगल के जानवरों के बच्चे चुरा के उन्हें प्राइवेट जू वालों को बेच रहा हूँ। मैडी रेंजर, इस तरह एनिमल्स के बेबीज को चुराना रॉन्ग है। उन बेबीज को जंगल में लौटा के राइट काम करो। किको, तुम्हारी ये रॉन्ग और राइट की सीख मेरे काम की नहीं और अब तुम्हारे भी किसी काम की नहीं रहेगी, क्योंकि जानवरों के बच्चों की तरह तुम भी अपने दोस्तों के साथ हमेशा के लिए गायब हो जाओगे। किको, आगे आगे देखते जाओ कि तुमसे निपटने के लिए मैंने क्या क्या इंतजाम कर रखे हैं। अब करूंगा मैं जंगल में अमंगल। ये ट्रेन हमको किधर लेके जाता जी? ये रॉक्स तो हमारी तरफ आ रहे हैं। सुपर स्पीडो, फॉर्मूला नंबर 58। यस ब्रो, इनिशिएटिंग फॉर्मूला 58। ये है एनिमल्स के बेबी जो जंगल में खो गए थे। इश मम्मी, आज तो बिना टिकट ही ट्रेन जर्नी हो गई। अयो, जल्दी भागो यहाँ से, वरना अब टिकट जरूर कट जाएगा। वो देखो, रुको, मैं इन्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। गुड मॉर्निंग राइनोस। अयो अयो, किको पे अटैक करता, हम तुमको नहीं छोड़ेगा जी। नहीं नहीं टेंपो अन्ना, इन्हें मत मारिए, ये तो बेचारे एनिमल्स हैं। ये बेचारे नहीं बल्कि मेरे खूंखार एनिमल्स हैं, जिन्हें मैंने ऐसी दवा पिलाई है जिससे ये और भयंकर और खतरनाक हो गए हैं। सुपर स्पीडो, ये तो बहुत सारे एनिमल्स हैं, मगर इनकी आंखें रेड क्यों हैं? शायद दवा के वजह से इनकी ये हालत हो गई है। इन्हें ठीक करने के लिए हमें इन पे यूवी रे शूट करनी होगी। तो जल्दी फॉर्मूला नंबर 149 लगा के यूवी रे शूट करो। नहीं, ये नहीं हो सकता। किको, तुम्हें अब सजा मेरे एनिमल्स नहीं बल्कि मैं खुद दूंगा। अब करूंगा मैं जंगल में अमंगल। यूवी रेस का असर जानवरों पे हो सकता है लेकिन मुझ पे नहीं होगा। मैडी रेंजर वाइल्ड एनिमल से ज्यादा वाइल्ड और स्ट्रॉन्ग है। अब करूंगा मैं जंगल में अमंगल। जोकर रुलाने आ गया है। गेम ऑन, एक्शन का थ्रिल, चेस का फन, कलेक्ट करो पावर्स और दिखाओ अपना दम। तो आप भी एक्सपीरियंस करें सेम और डाउनलोड करें गेम गूगल प्ले पर उपलब्ध। अब शुरू करें चेज़।
एनिमल्स पे मैं अपनी ओ किक का इस्तेमाल नहीं कर सकता था, लेकिन मैडी रेंजर पर तो ओ किक का इस्तेमाल जरूर कर सकता हूँ। देखो मैडी रेंजर, इंसानों और जानवरों में यही फर्क होता है, ये बिना मतलब किसी को परेशान नहीं करते। सुपर स्पीडो, इन सभी एनिमल्स के बच्चों को आजाद कर दो। शेर के गुर्राने से भागते चूहों की दुम पे बिल्ली ने पंजा रख दिया। मतलब सर पहली में कह रहे हैं कि यू आर अंडर अरेस्ट। आज तुम दोनों ने अपनी बहादुरी और अकलमंदी के दम पे इन एनिमल्स के मिसिंग बच्चों को भी आखिर ढूंढ ही निकाला। वाह!